तो सब्जी ले आने करे सारी सब्जी ले आए आज तो आप। ये देखो किचन में ये कर लाग रही है। ओहो तने तो सच्चे में तैयारी कर दी। मजाक कर रही हूं। मैं तो मजाक कर रहा था। भाभी सारे पीजे में जा रहे हैं तो ब्रह्म नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राम जी कैसे आप सब? मेरे हिसाब से आप खुश होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइज मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज तो मतलब कड़कती बढ़िया धूप निकल रही है भाई। यार देखो मीनू ने ना हिम्मत मार दी। टाइम तो पहला अपने कपड़े कपड़े धो गए सुखा दिए। ये आज धोए गए कपड़े? ये देखो कपड़े आज धोए हैं और परसों पर ले दिन दो। कल धोए होंगे? रात में धोए थे। कल शाम ने धोए थे मीनू ने कपड़े। और ईब क्योंकि रात में तो फिर बाहर फैला नहीं सकते तो ईब सुबह उठ कर फैलाएंगे। देखो अपने हर धूप बढ़िया लग रही ना ये सूख जाएंगे। अरे तुलसी तो कती सूख गई। देखिए कती इसी हो गया तो मन लागे नहीं हटके फूट जाएगी। कती ये तो सूख गई वो हो जाएगी तो ठीक है अच्छी बात है। थोड़ा अपना पानी पुनी दिन की राह मीनू लाग रही भाई अपना झाड़ू पोचा ठीक है अपना तरके दरका काम संभाल लाग रही है। क्या करना तो पड़ेगा। पापी पेट का सवाल है। मैंने कहा है मैंने अभी भीतर नहीं जाना है पोचा मार लाग रही हूँ। बोला पेड़ा की ना छाप हो जाएगी। आपकी तो जरा भी लगे एक बहन डे बोला सारा पोचा मारा मुरा सारा लू कल खराब जाऊंगा। रोज की रोज में पोचे पोचे मारे जाऊ फिर रोज की रोज नहीं मतलब मतलब दिन में कहीं पे पोचे पोचे मारे जाऊ ये पार कर दोगे आप तेल लेने सूखे पोचे जाना चाहिए। नू क्या लगा थी बोला रोज की रोज रोज पोचा तो रोज लगता है नू मतलब दिन में कुछ दी वो तो भी चलेगी। मैं लग गया होगा पोचा भी रहेगी कसर है फिर गाम लगेगा बाहर तू झाड़ू पोछा कर दे। अरे भाई मम्मी भी ऊपर के कर रखे जा क्या के पत्ते सूख गया देखा हूँ मैं। चलो ऊपर का देखा हूँ जो ऊपर छात में हमारा पड़ोस में नीम था पछीत में छात फूस के पत्ते पत्ते पड़े रहते वो भी सूख गया। देखो सारा तो सौदा धो दिया इसने चादर चुदर ये वाटर प्रूफ धो रखा ये जो के था ये उसका रजाई का कवर अरे मैट मूट मतलब खूब हिम्मत मारी कल मीनू ने भी। नहीं देखो ये पत्ते हमारी छत पर पत्ते आ जाए थे थोड़े दिन पहले नीम का हरा भरा था ये भी सूख गया। इसके सारे पत्ते सूख गए छात पर आ गए थे फिर छात से हमरी होगी मीनू ने। बाजरा बेचने वाला था बाजरा ले लो भाई बाजरा। ओ चल इतने मीनू काम कर लेगी इतने में थोड़ा सा बाहर घूम लूं फिर दिखाऊंगे। तो ठीक है गाइस मैं इतने थोड़ा सा बाहर घूमा हूँ हमारे यहाँ पड़ोस में ब्याह भी तो है दो दिन बाद। हाँ पड़ोस मतलब परिवार में शादी है ठीक है कद की है संडे की ठीक है तो उसकी भी तैयारी तो उसमें मन रही हूँ जो कर शाम ने कपड़े मैंने नूट होए दिन में तो उसकी तैयारी करनी पड़ा है जो कर सूट सेट सिल लूँ पार्लर का भी करना उस काम ने मेकअप करना मेकअप करना तो दिन में बहुत काम नहीं हो जाए बढ़िया मेकअप करिए कदे
बढ़िया करिए एक नंबर करूंगी ना 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 कति सुतरी बना के भेजिए क्या थे सुतरी तो मेरी ननंद है पहले सही बात तो ये ब्याह की तैयारी तेरी शुरू होगी मैं तो क्योंकि बाहर बाहर ज्यादा रहूं तो कल वहां सिलेंडर सिलेंडर लग रहे थे बटले करन क्योंकि सिलेंडर वो भी तो करने पड़े ना ब्याह शादी खातर इकट्ठे करने पड़े घने सारे सिलेंडर लग गए 10-12-15 लग गए इस चक्कर में स्टोर पे भी गए स्टोर पे भी एक पा कितने नहीं रहे हैं तो चलो मैं थोड़ा सा बाहर घूमना इतने आपने निमटा लेगी फटाफट निमटा ले बुला दिए फूल फाल से अच्छा देखा नहीं अभी ये देखो मैं तो ऊपर ताई और देखा तो सब्जी ले आने गए सारी सब्जी ले आए आज तो आप टमाटर ले आए हो गोभी टमाटर ले आए हो टमाटर ये रे मां कदे टमाटर ना ले आए टमाटर खत्म हो रहे थे टमाटर मटर प्याज गोभी मतलब अपनी पसंद की चीज ले आए हो जो आपने पसंद है सारा सुधर गया सही करया जम बढ़िया करया ठीक है ना कम रह रही थी सब्जी कम नहीं आउट के कहा करे से ना ये तो खत्म हो रहे थे प्याज टमाटर तो थे ना टमाटर कौन थे प्याज थे आलू थे अरे ये तो सारे खत्म हो रहे थे ठीक करे तो आपने जमा बढ़िया करा बाकी तो बना दी मैंने आलू गाजर आलू गाजर गाजर मटर बना दी फिर गाजर मटर जब थी एक नहीं बताई मैं कितना बना दी ठीक ना लो बाप शर्म नहीं आंदी अपने ऑटो पर उठो मतलब ऑटो पर जाओ ऑटो पर जाओ सॉरी रोटी खा लो मन्ने भी भूख लग रही है तूने कर रोटी बना ले मैं ना लो इतने ठीक है मैं बनाऊं और एक काम करिए मैं कई दिन हो गए कहते नहीं थे ठीक है आज थोड़ा सा पोहा बना के पैक कर दिए या कि मैं बात थोड़ी है तड़के एक घंटा सब्जी पलाए पोहे पलाऊंगी गुने चटोरे हो रहे आप तो आजकल चटोरे नहीं थोड़ा सा दिन में लंच तो चाहिए हल्का फुल्का एक आध बार तक जी करे लंच का ठीक है सिंपल सिंपल बनाना है सिंपल थोड़ी सी मटर डाल देना ले सिंपल हो गए वो मटर डाल के ठीक है अच्छा बस ठीक है अभी मैं बनाऊं फिर आप ना लो ठीक है और के करूं बनाना तो पड़ेगा मैं 5 मिनट में आके तैयार दूंगा फिर 5 मिनट में मैं तैयार कर लूंगी इतने 10 मिनट लगेंगे ज्यादा ठीक तो मैं भी नहा धो लिया था और नहा धो मैं भी अपना कपड़े चेंज कर गया मैंने भी अपनी तैयारी कर ली पकड़ ली अपनी बाहर चलन की और मीनू की धुम्मा ठारी देखो किचन में क्या कर लाग रही है ओहो तने तो सच्चे में तैयारी कर दी मजाक कर रही मैं तो मजाक कर रहा था भाई बे छो अरे एक बकुस नहीं दे रहा छोक के छोक तो तैयार हो यार देखियो मैं तो मजाक में कर रहा था बता ये ना सर आज दम ईब क्या दम छोड़ देगी बता ये सारी तैयारी कर दी तने इसमें क्या है इसमें क्या है ओहो तू तो पति जो करके इन्हों कर दी तन तो सारी है ना रोटी खानी है पापे पेट का सवाल है पेट भरना है सही बात है ना जो कर कहोगे तुम ना करूंगी तो रोटी भी नहीं दोगे ना ऐसी कुछ बात नहीं है ऐसा नहीं है मटर काट दिया मैं मीनू ने तो इतना मैं नहाया इतना बस ये भी करा फिर आज काटे मटर छोली उबाली छोली बनाया ये देखो भाई बिल्ली आ रही है पहले तो रोटी खा ली दूध देखो पाले रखी होगी तेने यार पाले रखी होगी बस पाले तो क्या रखी है आज तो धूप चेरी आते देखो ना तो बिल्ली डरा करती यार ना डरती मड़ी भी हाँ यार रोटी भी खाएगी रोटी बिल्ली को तो निकाल दे देख ना दी गई है पुसी कैट पुसी छोटा शेर है मिनी शेर है ना
शेर की मूर्ति यार हो है नहीं गिफ्टी तैयार पोआ मतलब जादू तो था लेकिन मैंने मुंह करना है मैंने भूख लग रही फिर भूख लग रही रोटी खा ले इतना हां इतने मैंने रोटी दे दे और पोआ पैक कर दिए ठीक है ये बनाऊंगी रोटी भी रुक जो मैंने कर ले दो एक बार ठीक है ओके 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 वेलकम वेलकम खत्म कर दिया दूध हां फिर रोटी खा ले देखो एक रोटी में तैयार रोटी छोड़ दी मैं पूरी मतलब है देख लियो पड़ी और खाओगे रोटी गिरी हूं गिर दूं गिर दे भूख लग रही हुई इसने खाल लग रही है भूखी मरे बेचारी चूहे को नहीं मिलेंगे कहीं तो लोग जाते हैं मुझे करे थे हां बिला में बढ़ रहे होंगे चूहे है ना हां इसने चूहे नहीं मिले मेरा चौंको जाए इतने जब मैं इस रास्ते से लेकड़ू ना तब मैंने कती घर ना कती अखर गम वाली फीलिंग आवे अड़े नरे डंगर वे कती देसी जुगाड़ पावे सारे अड़े पाली बैठे हुए हैं जो डंगर डूंगर चराया करें हम करते रवाना हो गया था अपने बाइक पे अपना मार गए चमका का बाइक में और फिर मैंने मार दिया अपनी बाइक पे शल पे बाकी आज मैंने अकेले नहीं आना पड़ा क्योंकि नवीन और मैं साथ में जाया करते पर नवीन की ना कंपनी चेंज होगी उसने अपनी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली तो उसने कल तो रोहतक जा रहा था वो आज ही शारजा रहा है तो उसके बारह बार भी रुक ज़्यादा रहा होंगे क्योंकि अपना थोड़ा सा सिस्टम जमाना पड़ेगा भाई नई कंपनी में तो इसलिए फिर मैं अकेले जाना पड़ रहा आज तो चलो कोई नहीं सफर तय करेंगे और एक बार नॉन स्टॉप पहुँच जाऊँगा अपना मार्केट में तो उसके बाद पहुँच जाऊँगा एक बार ठीक है आज तो मैं बहुत लेट हो गया तो पैरा दिन हो गया कभी तो देखो तो हमने एक छोटी सी ट्रेली दिखाऊँगा छोटा ही ट्रैक्टर छोटी ही ट्रेली काम पूरा मतलब छोटा नहीं कह रहा छोटा कूपन बड़ा धमाका देखो तो छोटा कूपन बड़ा धमाका हो रहा है तो रोड भी सारा टूटा पड़ा है तो चलो मैं एक बार अपना पहुँच लूँ आराम आराम से तो आने के बाद भाई थोड़ा सा काम था बड़ा उसके बाद थोड़ी थोड़ी चाय पी और ब्याह की मिठाई यार भी तो उसकी मट्ठी मट्ठी खाई लाडू लड्डू खाई चाय हो गया था फिर ईप हो गया तो पैर का टाइम तो लंच टाइम हो गया है और हमने खोल दिया अपना पोहा ठीक है साइल मिलान लग रहा है इसने थोड़ा सा नींबू निचोड़ा था इसमें ऊपर ऊपर नींबू निचोड़ रहा था मैं थोड़ा सा मिक्स कर लिया और उसके बाद फिर अपना पोहा खाएंगे अपना लंच कराएंगे तो शाम का टाइम हो गया है और देखो मामला गर्म चल रहा है शहर में मतलब प्रदर्शन चल रहा है बोर्डा पे क्या लिख रहा है न्याय दो रोजगार दो न्याय दो तो भाई मतलब पुल जोरों शोरों से प्रदर्शन चल रहे हैं तो चलो भाई मैं भी चलने की तैयारी करूँगा तो मैं हो लिया हूँ दुकान तक खरी और दुकान पर आ गए और थोड़ा सा सामान और लेना था जो मतलब साथी है उसने फास्ट फूड की दुकान कर रखी थी तो उसका फ़ोन आ गया था भाई उसने सामान कब पड़ गया वह बोला थोड़ा सा ना सामान ले करना है मैं चलो ठीक है भाई तो उसने सामान उसके बर्गर और चाउमीन मंगवाए थे तो ये भी ले लिए मैंने और ये लेकर मैंने अपने मोटर का गियर भर दिया है तो मैं इसका जरा पूछूँगा देखो शहर की लाइट बाज रही है अंधेरा सा हो रहा है तो चलो मैं एक बार जरा पूछूँ आधे शहर की लाइट बाज रही है शहर में अंधेरा सा हो रहा है जिस साइड से मैं आया ना उस साइड तो अंधेरा हो रहा था आगे लाइट आ रही है और मैं पहुँच गया भाई रास्ते मेरे देखो कितनी मतलब जोर की आग बढ़ रही है और बराबर में पेट्रोल पंप है न्यू भी नहीं सोचा मैंने बेटा ना भाई आग लानती है ना बराबर में पेट्रोल पंप है आग भी लाग सके हैं तो चलो कोई नहीं भाई मैं पहुंच लूँ एक बार और मैं पहुंच गया हूँ ये भाई का सामान लेकर आया था थोड़ा सा इसका सामान पकड़ा दूँ बर्गर वर्गर तो फाइनली मैं घर पहुँच गया था घर पहुँच के मैंने रोटी पानी खा ली है और मम्मी और तो जा रही हैं पी जी आई में तो बंटी और मम्मी भाभी सारे पी जी आई में जा रहे हैं तो ब्रह्म का भाई लड़की हुई आज तो ये फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले किस टाइम फ़ोन आया था 8 बजे से फ़ोन आया था 7:15 ही मतलब डिलीवरी हुई थी तो बस हम घर आए थे मैं मीनू पापा नवी सुनाया हम सारे घर आए ठीक है तो नवी ने कर दी सोने की तैयारी हाँ ये देखने लग रहे फोन में व्लॉग देखने लग रहे तो चलो ठीक है गाइज मैंने थाती बता दी है आज मारे ग्राम मतलब एक न्यू फैमिली मेंबर का आगमन होया है मतलब मारे ग्राम लक्ष्मी आई है शुक्रवार के दिन हाँ
तो चलो भाई मैं इस व्लॉग का कर रहा हूँ यहीं पे एंड। और वह है हॉस्पिटल में पीजीआई में, तो कल मैं आऊँगी तो हमने लक्ष्मी जी के दर्शन भी कराएंगे। तो ठीक है, अपन मिलेंगे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।